सो व्हाट्सअप गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल का गाइस। आप लोग एक एडिटिंग सीखना चाहते तो आप लोग के वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल का होने वाला है। आप लोग को देखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। वो भी गाइस सीवी एडिटिंग आप लोग सीखना चाहते और सीख रहे हैं तो आप लोग वीडियो देख ले तो ना भाई, 100% गाइस आपका भाई गारंटी के साथ बोल रहा है। आप लोग ऐसा सीवी फोटो एडिटिंग करना आप लोग सीख जाए, जैसे थंबनेल में देखे ना सेम फोटो एडिट करके आज आपका भाई दिखा देगा। बस आप लोग क्या करना एंड आप लोग को पूरा एंड तक गाइस बस वीडियो को वॉच कर लेना है और चैनल पर नए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ में गाइस बेल आइकन बटन भी प्रेस कर दीजिएगा। आपका भाई आज का फोटो बहुत ही ज़्यादा कमाल का दिख रहा है, आप लोग देख सकते हो। इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे भाई आप लोग सेट का कलर कैसा चेंज कर सकते हो और बैकग्राउंड ब्लर कैसा कर सकते हो और PNG वगैरह आप लोग तो देख ही सकते हो कैसा आप लोग को लगाना है, सारा कुछ इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे। बस आप लोग को पूरा एंड तक गाइस बस वीडियो को वॉच कर लेना है। तो देख सकते हो हमारा फोटो कितना बवाल तरीके से एडिट हुआ है और गाइस हमारे चैनल पर रियल ट्रिक आप लोग को सारा कुछ मिलता था, आप लोग सारा कुछ जाना है तो बस आप लोग चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन भी आप लोग प्रेस कर दीजिएगा। तो आप लोग देख सकते हो कितना खतरनाक तरीके से हमारा हेयर का एडिट हुआ है और हेयर का आप लोग कैसा एडिट करना है तो सारा कुछ आप लोग को बता देंगे। सबसे पहले गाइस हम लोग क्या करेंगे ना, आप लोग को जो फोटो एडिट करना है तो वो फोटो ले लेना है। तो हमको गाइस इसी फोटो को एडिट करना है तो हम क्या करेंगे इसी फोटो को ले लेंगे। इस फोटो गाइस लेने के बाद आप लोग को कुछ नहीं करना, अपना ओरिजिनल फोटो को जो भी फोटो को एडिट करना रहेगा तो आप लोग को फोटो को ले लेना, हमको तो यही फोटो एडिट करना है। तब इस फोटो को लेने के बाद आप लोग क्या करना ना, शेयर वाला आइकन पे गाइस आप लोग को टैप करके अपना फोटो को लाइटरूम ऐप में गाइस आप लोग को अपना फोटो को शेयर कर लेना है। लाइटरूम ऐप में गाइस शेयर करके कुछ ऊपर की साइड में कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, उसके बाद गाइस आप लोग कुछ ऊपर की साइड में हल्का हल्का करके इसको कर लेना है। उसके बाद गाइस आप लोग ये वाला आप लोग को एक प्रीसेट मिलेगा। बहुत सारे भाई लोग बोलते हैं प्रीसेट आप लोग को आपका भाई वर्क नहीं करता, आप लोग कैसा कॉपी सेटिंग करना वर्क करेगा आप लोग को बता दे रहे हैं। इधर देखिए 3 डॉट पर आप लोग टाइप कर कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, आप लोग को मार्क मार के दिखा रहा है, इस पर आप लोग को टाइप करना है। उसके बाद डन वाला आइकन पर गाइस टाइप करके इसको डन कर देंगे। उसके बाद गाइस आप लोग कुछ नहीं करना, 3 डॉट पर आप लोग को टाइप करना, इधर देखिए 3 डॉट पर टाइप करना है, इधर कॉपी पेस्ट करके लिखा आप लोग को मार के दिखा रहे हैं, उस पर दाबेंगे। देखिए क्लिक में गाइस हमारा फोटो बहुत ही ज़्यादा कमाल तरीके से एडिट हो जाएगा। आप लोग देख सकते हो कितना अच्छे तरीके से हमारा फोटो बिफोर एंड आफ्टर। उसके बाद गाइस इतना प्रोसेस होने वाला, उसके बाद भाई इतना प्रोसेस होने बाद अपना फोटो क्या करना है, सेव आइकन पर गाइस टाइप करके आप लोग को क्या करना है अपना फोटो को सेव कर लेना। सेव करने में कुछ आप लोग को फोटो ऐसा लोडिंग लेगा और गाइस आप लोग को रिक्वेस्ट है पूरा आप लोग एंड तक गाइस बस वीडियो को देखे हुए तभी आप लोग सारा कुछ आप लोग को रियल फोटो एडिटिंग करना आप लोग भी सीख जाएंगे। तो उसके बाद कुछ आप लोग का भी फोटो ऐसा लोडिंग लेगा, उसके बाद गाइस अपना फोटो गैलरी में कट करके गैलरी में सबसे पहले आप लोग को दिखाते हैं। एरा गाइस हमारा गैलरी में आगे हमारा फोटो देख सकते हो, इस फोटो हमारा एक ही किले में कितना खतरनाक तरीके से एडिट हुआ है तो आप लोग देख सकते हो। प्रीसेट यार जो प्रीसेट है ना बहुत ही फाड़ू प्रीसेट है, बहुत ही कमाल के प्रीसेट है। उसके बाद गाइस आप लोग कुछ नहीं करना, अपना फोटो को ऑटोडेस्क ऐप में गाइस आप लोग को शेयर कर लेना है। ऑटोडेस्क ऐप में गाइस आप लोग शेयर करेंगे तो आप लोग प्ले स्टोर पर बहुत ही आसान तरीके से इस ऐप का लिंक आप लोग को मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से बहुत आसान तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद दोनों फिंगर से कुछ आप लोग को कुछ नहीं करना, जूम करके आप लोग इसी फोटो को हम लोग स्मूथ करेंगे। सबसे पहले कौन सा ब्रश कैसा स्मूथ करना सारा कुछ आप लोग को बता देंगे, ये वाला ब्रश आप लोग को लेना, आप लोग को मार के दिखा रहे हैं। उसके बाद गाइस आप लोग को इस पर टैप करें, कुछ आप लोग को ऐसा सेटिंग खोले के आ जाएगा, आप लोग की तरह सेटिंग करके रख लेना। उसके बाद आप लोग को समझ नहीं आता तो आप लोग स्क्रीन शॉट करके रख लेंगे। उसके बाद गाइस आप लोग क्या करना, दोनों फिंगर से जूम करके बस अपने फोटो पर अच्छे तरीके से आप लोग को स्मूथ कर लेना है। तो आप लोग भाई लोग स्मूथ करने नहीं आता तो आप लोग क्या करना ना, बस कमेंट में आप लोग बताए स्मूथ का वीडियो चाहिए तो आपका भाई स्मूथ का भी वीडियो लेकर आ जाएगा। फेस को कैसा स्मूथ करा जाता है और फेस को कैसा गोरा करा जाता है सारा कुछ का आप लोग को इस वीडियो आप लोग को बता देंगे। बस आप लोग कमेंट में बताए किस टॉपिक पे आप लोग को वीडियो चाहिए, उस टॉपिक पे भाई आप लोग का भी आपका भाई वीडियो लेके आएगा। देखिए कितना अच्छे तरीके से हमारा फोटो स्मूथ हो रहा है। सेम प्रोसेस करके ना भाई लोग आप लोग को भी ऐसा करके स्मूथ करना है। इस ऐसा से आप लोग स्मूथ करेंगे तो आप लोग देख सकते हो कितना यार जहर सा हमारा फोटो रिजल्ट आप लोग को जो मिलेगा ना भाई, इतना जहर इतना बवाल तरीके से आप लोग को रिजल्ट मिलने वाला है। पूरा एंडली आप लोग वीडियो वॉच कर लेंगे तभी, और भाई लोग आप लोग वीडियो को स्किप करके आप लोग चले जाओगे तो आप लोग भाई गारंटी के साथ आपका भाई बोल रहा है कुछ भी नहीं आप लोग सीख पाओगे। तो हम क्या करते हैं जल्दी जल्दी करके ना भाई लोग अपना फोटो को हम लोग स्मूथ कर लेते हैं। तो आप लोग आराम से स्मूथ की दिया, आप लोग को कोई भाई लोग कुछ जल्दबाजी नहीं करना है तो हम क्या करेंगे आराम से कर रहे हैं। लेकिन भाई अब थोड़ा सा वीडियो हल्का सा हम फास्ट कर दे रहे हैं क्योंकि भाई लोग वीडियो तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसके लिए आपका भाई बोलता है
आप लोग थोड़ा सा आप लोग को टाइम भी वेस्ट रहा हो तो थोड़ा सा मीडो हल्का सा फास्ट कर लेते हैं। इसके लिए गाइस आपका भाई बोला है ना, आप लोग को फेस स्मूथ करने नहीं आता, तो आप लोग बस कमेंट में बताइए तो उसका वीडियो आपका भाई लेकर आ जाएगा। बस आप लोग कमेंट में बताइए भाई, जो आप लोग कमेंट करेंगे उसी हिसाब से हमको चलना है, और आप लोग कमेंट करें तो होना है, तो हमारे दो यार एडिट करने का कोई फायदा नहीं। तो फाइनली हमारा फोटो तो एडिट हो चुका है, तो एडिट होने बाद आप लोग क्या करना ना भाई, प्लस वाला आइकन पे गाइस आप लोग को टाइप करना। उसके बाद गाइस आप लोग फेस को गोरा करने के लिए आप क्या करेंगे ना, ये जो एक डुप्लीकेट लेयर हम बनाए हैं आप लोग देखिए, इधर मार के दिखाएंगे तो आप लोग देखिएगा, इधर डुप्लीकेट लेयर बताया, इस पर आप लोग को टाइप करना। उसके बाद सेटिंग वाला आइकन पे गाइस आप लोग को टाइप करना, उसके ऊपर की सबसे ऊपर के स्क्रॉल करके सॉफ्ट लाइट करके लिखा है, इस पर आप लोग को टाइप कर देना है। इस पर टाइप करना दोनों फिंगर से सब कुछ अपना फोटो को जूम करके, उसके बाद मिक्स टूल पे आ जाएंगे। उसके बाद गाइस आप लोग को ये वाला कलर को आप लोग को सेलेक्ट कर लेना है। इसको सेलेक्ट करने वाला गाइस आप लोग दिखाते हैं, आप लोग को मार्क के दिखाएंगे तभी आप लोग सारा कुछ समझ पाओगे। उसको देखिए देखिए अभी किधर गया यार, मार्क नहीं लग रहा है। इसको गाइस वो वाला कलर आप लोग को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद 95 करके रख के बस अपने फेस पे सर डुलाएंगे तो नहीं होगा, तो आप लोग को क्या करना ना भाई, ये वाला ब्रश को आप लोग को सेलेक्ट कर लेना है। इधर आप लोग को मार के दिख रहा है, ये वाला ब्रश हम भी सेलेक्ट कर ले रहे हैं, आप भी ये वाला ब्रश को सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसको गाइस हम तो फेस स्मूथ करे थे वाला ब्रश से। उसके बाद गाइस आप लोग को ये वाला ब्रश लेना है, एक बार और आप लोग को दिखा देगा आपका भाई, आप लोग को एक बार नहीं समझ आता तो आप लोग को भाई दोबारा करके दिखाता है, तो आप लोग देख सकते हो वाला ब्रश को हम लोग ले लेंगे। उसके बाद गाइस आप लोग कुछ नहीं करना, इसको बैक आ जाएंगे। बैक आने बाद गाइस बस अपने फेस पैसा करके डुलाएंगे तो हमारा फेस देख सकते हो कितना अच्छे तरीके से स्मूथ हो रहा है और गोरा हो रहा है भाई। कितना आप लोग कितना भी आप लोग को फोटो ब्लैक करेगा तो आप लोग गोरा कर सकते हैं। हमको इसको एफसीटू को कम करके 50 करके रख के उतना करके करेंगे तो हमारा फोटो में जो है ज़्यादा गोरा भी नहीं दिखेगा और ज़्यादा ब्लैक भी नहीं दिखेगा। सेम ऐसा करके हम आप लोग भी अपना फोटो को अप्लाई कर लेना है। हम क्या कर देना भाई लोग, वीडियो थोड़ा सा हल्का सा फास्ट करके हम अप्लाई कर रहे हैं, आप लोग भी आराम आराम से करके अप्लाई कीजिए। देखिएगा तो कैसे हम अप्लाई कर रहे हैं ना, आप लोग भी भाई लोग सेम प्रोसेस करके आप लोग को भी अप्लाई करना है। देखिए कितना अच्छे तरीके से हमारा हैंड हो गया, पैर हो गया, कितना आप लोग को ब्लैक के साथ दिख रहा था, सभी हमारा कितना भी गुस्से कोरा दिख रहा है। इसके बाद आप लोगों को सेम प्रोसेस करके उसके बाद आप सीट को जितना आप लोग को गोरा रखना चाहते हो उतना करके रख सकते हो, तो हम देख सकते हो। इसके बाद इधर भी थोड़ा सा पैर पे बचा था, इसको भी अच्छे तरीके से हम कर लिए हैं। उसके बाद इतना प्रोसेस होने बाद अपना फोटो को शेयर वाला आइकन पे स्टैप करके अपना फोटो किस में शेयर करना है तो आप लोग को बताएंगे। आप लोग को अपना फोटो को पिकार टाइम में गाइस अपना फोटो को शेयर कर लेना है। आप लोग को गाइस प्ले स्टोर पे बहुत आसान तरीके से पिकार टाइम लिखेंगे तो आप लोग को बहुत ही आसान तरीके से मिल जाएगा। उसके बाद गाइस ऐसा उस पर शेयर करने में तो हमारा फोटो कुछ ऐसा ओपन होगा। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, आप लोग को मार के आपका भाई समझाएगा। इधर देखिए इधर एडिट वाला आइकन दिख रहा है, इधर मार के दिखाया तो आपको एक बार और आप लोग को दिखा दे रहे हैं। इधर एडिट वाला आइकन पे गाइस आप लोग को टाइप करना, उसके बाद गाइस कुछ ऐसा करके स्क्रॉल करेंगे तो आप लोग सबसे पहले कलर वाला आइकन पे आना, तो आप लोग को जो कलर चाहिए ना भाई वो कलर रख सकते हैं। तो हमको तो गाइस भाई लोग एक कलर चाहिए, तो हमारा फोटो इस कलर में बहुत ही मस्त दिख रहा था। उसको पहले आप लोग कुछ नहीं करना, प्रिंसिपल आइकन पे गाइस टाइप करना है। आप लोग को पिंसुल आइकन पे गाइस आप लोग को टैप कर देंगे ना तो आप लोग को जितना फेस पे जो स्ट्रक पार्ट अपना पड़ गया, कलर जो आप लोग को पड़ गया होगा अपना फेस पे से, उसको हम लोग क्या करना है, आप लोग अच्छे तरीके से इरेज कर लेना है। जो हमारा स्ट्रक पार्ट है जो हमारा कपड़े का ऊपर से नहीं हमारा हैंड पे और फेस पे चला गया था, इस गाइस कलर को आप लोग को इरेज कर लेना है। तो देखिए कितना अच्छे तरीके से हम अपना कपड़े पैसा और हैंड पैसे आप लोग को इरेज करना है। बस कपड़े पैसे नहीं भाई लोग, हैंड पैसे और फेस पैसे और पैर पैसे और हाथ पैसे आप लोग को इरेज करना है। देखिए कितना आराम आराम सब जितना आप लोग आराम आराम से इरेज करेंगे आप लोग को उतना ही मस्त रिजल्ट आप लोग को देखने को मिलेगा। तो आप लोग देख सकते हो कितना अच्छे तरीके से हम इरेज करें तो आप लोग कितना अच्छे तरीके से आप लोग को रिजल्ट आप लोग को देखने को मिलेगा। तो आप लोग देख सकते हो लाइव प्रूफ के साथ आपका भाई सेम फोटो एडिट करके दिखाएगा। उसके बाद गाइस आप लोग इतना प्रोसेस होने में आप लोग क्या करना ना भाई, आप लोग डन वाला आइकन पे गाइस टैप करके अपना फोटो को क्या करना, आप लोग को डन कर लेना है। उसके बाद एडिट वाला आइकन पे गाइस टैप कर कुछ ऐसा आएगा तो आप लोग को इंटरफेस खुल गया, आप लोग को मार्क के दिखा रहे हैं, इस पर आप लोग को टाइप करना है। उसके बाद भाई आप लोग कुछ नहीं कर देना, फेदर वन करके लिखा रहेगा आप लोग इस पर टाइप कर देना है। ऐसा टाइप करेंगे तो आप लोग सेटिंग वाला आइकन पे एक बार टाइप करके इसको स्क्रॉल करके इसको माइनस करके आप लोग को रख लेना। उसके बाद पेंसिल आइकन पे गाइस आप लोग को टाइप करके अपना फेस पे से आप लोग को बस इफेक्ट को इरेज करना है। देखिए अपना फेस पे से इरेज को इस इफेक्ट को कैसे इरेज कर रहे हैं, सेम प्रोसेस करके ना
अब आप लोग अच्छे तरीके से इरेज कर लेना, देखिए कि हम करके इरेज करें। बस आप लोग कपड़े पर नहीं इरेज करना है, जो हमारा हेयर नहीं गाइस, जो हमारा फेस पे से आप लोग को इरेज करना है। आप लोग को ब्रश को छोटा बड़ा करके अच्छे तरीके से आप लोग को इरेज करना है। देखिए इस तरह भी हैंड पे इसको भी आप लोग को इरेज कर लेना इफेक्ट को। इसको इरेज करने बाद गाइस आप लोग को बहुत ही अच्छा आप लोग को ट्रिक बताने वाले हैं। आप लोग आराम से करके इरेज कीजिएगा भाई जी। आप लोग को थोड़ा भी आप लोग को जल्दबाजी नहीं करना है, जल्दबाजी करेंगे तो आप लोग को दिक्कत हो सकता है। थोड़ा सा आप लोग इरेज कर देंगे फेस पे से और बैकग्राउंड पे, इतना प्रोसेस होने वाला है। आप लोग को क्या करना, अपना फोटो को शेयर वाला आइकन पे गाइस टैप करके जो ब्लर आप लोग को बताएंगे ना भाई, आप लोग को वही ब्लर लेना। आप लोग को फोटो रूम में ऐप में गाइस अपना फोटो को शेयर कर लेंगे। उसके बाद गाइस आप लोग कुछ ऐसा करके इंटरफेस आप लोग को खुलेगा, कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। तो आप लोग कुछ नहीं करना है, इधर देखिए कौन सा ब्लर वाला आप लोग को इफेक्ट चूज करना है, आप लोग को ये भाई बताएगा। तो देखिए इधर ब्लर वाला आइकन पे आप लोग को टैप कर देना है। इस पर टैप करने में गाइस आप लोग को क्या करना है, फिर से गाइस ब्लर वाला आइकन पे गाइस टैप करके, इस पर ब्लर पे टैप करके आप लोग इसको करके 100 करके रख लेना। उसके बाद शेयर वाला आइकन पे गाइस टैप करके अपन फोटो को सेव करके फिर से गाइस हम क्या करेंगे, अपना फोटो को पिकआउट ऐप में गाइस फिर से आ जाएंगे। उसके बाद गाइस आप लोग कुछ नहीं करना, एड फोटो पर हम लोग आएंगे। देखिएगा ऐड फोटो पर गाइस आने वाले, जो हमारा फोटो ब्लर के तो फोटो को लेके दोनों फिंगर से जूम करके सिम उसका फोटो को ऊपर बैठा लेंगे। उस पर इस पर टैप करेंगे तो हमारा फोटो में क्या करोगा, बस बैकग्राउंड पे आप लोग को ब्लर कर लेना। बैकग्राउंड पे पीछे करके देखिए हमारा बैकग्राउंड कितना अच्छे तरीके से ब्लर हो रहा है, तो आप लोग देख सकते हो। अभी से हमारा फोटो PNG वगैरह यूज नहीं किया था, हमारा फोटो कितना मस्त तरीके से लग रहा है। तो इसको बाद PNG वगैरह ऐड कर देंगे, PNG डाल देंगे तो हमारा फोटो में और खतरनाक तरीके से लुक आ जाएगा। तभी से आप लोग को फोटो तभी तो बहुत ज़्यादा पसंद आ चुका होगा। उसके बाद आप लोग फोटो को डन कर लेना, और डन करने के बाद गाइस आप लोग कुछ नहीं करना, स्टिकर वाला आइकन पे आएंगे तो जो हमारा लाइट का PNG है, सबसे पहले हम लोग लाइट का PNG को यहाँ पे करके लगा लेते हैं। उसके बाद एक और इसका लाइट का PNG का डुप्लीकेट लेयर बना के यहाँ पे इसको रख लेते हैं। उसके बाद गाइस आप लोग को यहाँ पे कुछ नहीं करना, आप लोग को फोटो को डन कर लेना। फिर से गाइस हम क्या करेंगे, स्टिकर वाला आइकन पे आएंगे, जो हमारा डॉग का PNG है इस डॉग को गाइस हम लोग बैठा लेते हैं। और उसके बाद गाइस आप लोग को कुछ नहीं करना, फिर से हम लोग क्या करेंगे ना भाई, ऐड फोटो पर आ जाएंगे। जो सारा कुछ PNG का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा, PNG और PSET का। आप लोग बहुत ही आसान तरीके से वहाँ से आप लोग क्या करना, आप लोग को डाउनलोड कर सकते हो। तो हम सारा कुछ PNG अब हम क्या करेंगे, सभी PNG को ऐड कर लेंगे दो दो करके। सबसे पहले बुके इफेक्ट का PNG को ऐड करके आप लोग कुछ नहीं करना, सॉफ्ट लाइट लिखा है यहाँ पर गाइस इसको टाइप करके, उसके बाद गाइस इसे रोटेट करके अच्छे तरीके से इसको बैठा लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अब इसको इस ऐप C2 को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कम करके रख लेंगे। उसके बाद एक और डुप्लीकेट लेयर बना के इसका अपोजिट वे आ गाइस इसको रख लेंगे। इसको भी अच्छे तरीके से हम क्या करेंगे, उसके बाद एक और डुप्लीकेट लेयर बनाना है इसको बीच में करके रख के, इसको ऐप C2 को हम क्या करेंगे और थोड़ा सा कम करके इसको बैठा लेंगे। उसके बाद गाइस आप लोग क्या करना, फिर से गाइस हम लोग क्या करेंगे ना, ऐड फोटो पाएंगे जो जो हमारा एक दो PNG और है, इसको सारा PNG हम क्या करते, दो PNG बादशाह करके लिखा है तो इसको डालेंगे। तो और फोटो में हमारा ब्लेंडिंग करके सेम प्रोसेस करके इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग को भी कर लेना है। उसके बाद इसको भी ब्लेंडिंग कर लेना, आप लोग को बादशाह जो लिखा है ऊपर की साइड में इसको बैठा लेते हैं। और जो फोटो सेम एडिट कर लेगा भाई ना, बहुत ही क्या बात है, कोई भी भाई पूछेगा आप कैसे भाई फोटो एडिट किए हो आपका भाई, इसको आप नाम बता दीजिएगा। देखिए कितना अच्छे तरीके से हम अपना फोटो की, चाहते तो आप लोग इंस्टाग्राम से साइज के यहाँ रख सकते हैं, लेकिन आप लोग यहाँ से गाइस इंस्टाग्राम का साइज को नहीं रखना है, कि गाइस किसी इंस्टाग्राम का साइज का रखें तो हमारा बादशाह जो कट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ना आप लोग को एक और चीज़, हमारा क्या चीज़ छूट रहा है, हेयर को गाइस, हेयर का PNG जो हेयर का PNG का हम सबसे पहले हम क्या करेंगे उसको ऐड कर लेते हैं। तो फाइनली हमारा हेयर का PNG आ चुका है। उसके बाद गाइस आप लोग क्या करें, इसको क्रॉप करके छोटा करके अपना हेयर को अच्छे तरीके से बैठाने वाला हमारा फोटो में देख सकते हो भाई, और खतरनाक तरीके से लुक हमारा फोटो में आ चुका है, और ही मस्त हमारा फोटो लगने लगा। इतना फोर्सेस तो मेरे आप लोग क्या करना, शेयर वाला आइकन पे गाइस टैप करके सबसे पहले डिटेल को क्या करना, दोनों को इसको दोनों को 100 करके रख लेना है। इतना प्रोसेस होने में तो उसके बाद क्या करना, पहले आप लोग को सेलेक्ट टूल पे आना, जहाँ जहाँ आप लोग ब्लैक और रेड टोन दिखाई देगा सेम प्रोसेस का गाइस आप लोग को भी इसको आप इसको पूरा 100 इसको थोड़ा सा माइनस करके आप लोग अपने फोटो के हिसाब से आप लोग भी एडजस्ट कर सकते हो। इस फोटो में गाइस आप लोग क्या, आपका भाई बता क्या चीज़ मिस्टेक हो चुका है, आप लोगों जो हमारा हैंड पे ना भाई इस तोता पट्टू जो होता उसको नहीं बैठाया है, तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस तो पट्टू का लिंक मिल जाएगा, उसको थोड़ा सा छूट गया है, तो आप लोग वहाँ से गाइस आप लोग लगा सकते हो। तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग लगा लीजिएगा। आप लोग PNG वो डाउनलोड करके सेम प्रोसेस करके आप लोग जहाँ जहाँ ब्लैक और रेड तो रहेगा तो आप लोग सेलेक्ट कर लेना है। तो आइयो गाइस हमारा फोटो तो आप लोग देख सकते हो एडिट हो गया, आप लोग को लाइव प्रूफ के साथ आपका भाई फोटो एडिट करके दिखा चुका है। बस आप लोग को रिक्वेस्ट ना भाई, चैनल पर नए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और बेल आइकन बटन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो आप लोग को भाई तो वीडियो आप लोग को पसंद आएगा, तो इसके लिए तो भाई एक लाइक और एक कमेंट बनता है। तब तक लिए गाइस मिलेंगे किसी